अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, कल 9-0 और एतराफ़ में जो रेंजर्स का छापा पड़ा था, जिसमें काफ़ी सारे वहां पे लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें रेंजर्स ने बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलूब हैं, क्योंकि उनकी कन्विक्शंस भी हो चुकी हैं और उनमें से एक शख्स के ऊपर जो है वो सजाए मौत भी कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी है। आज हमने देखा कि उनमें से 27 अफराद को जो है कोर्ट में पेश किया गया और 90 दिन की रिमांड पर उनको भेज दिया गया है। इन 27 लोगों में आमिर खान साहब भी थे, जो कि राबता कमेटी के सीनियर रहनुमा है, और हमने देखा था कि कल एमक्यूएम की जानिब से ये कहा गया था कि उनको भी हिरासत में लिया गया है। आज वो भी अदालत में पेश हुए, और जब वो अदालत में पेश हुए तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी और उनकी आँखों पर पट्टी बांधी हुई थी, और जब वो अदालत से बाहर निकले इस 90 दिन रिमांड के फैसले के बाद तो विक्ट्री का साइन उन्होंने बनाया और इसके बाद उनको रिमांड पर भेज दिया गया है। आज जो है राबता कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने और हैदर अब्बास रिजवी साहब ने बात की। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आज एक तासुर बार बार देने की कोशिश कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये तासुर नहीं भी जाना चाहिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त, ये एमक्यूएम वर्सेज रेंजर्स है या रेंजर्स वर्सेज एमक्यूएम है। बार बार उन्होंने इस चीज को रिपीट किया कि कोई आपस का झगड़ा ऐसा नहीं है, कोई तसादुम वाली इस वक्त सूरत हाल नहीं है। मजीद उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग हिरासत में लिए गए थे और उनको पेश नहीं किया गया है, उनको फिर रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि शायद वो ऐसे लोग थे जो कि मतलूब नहीं थे रेंजर्स को। मीडिया ट्रायल के हवाले से भी गिला किया उन्होंने और साफ साफ ये भी कहा कि वकाश शाह, जो कि कल इस वक्त जब रेंजर्स ने छापा मारा था तो उस वक्त वो शहीद हुआ था, फारूक सत्तार साहब ने कहा कि हमारे पास ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं जिससे जाहिर होता है कि वो किसी एमक्यूएम के शख्स की गोली से नहीं मरा है, वो रेंजर्स की ही गोली से मारा गया था, शहीद हुआ था। इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। हैदर अब्बास रिजवी साहब ने जो है आज जब बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसके खिलाफ जो है उन्होंने बड़ी तनकीद की है, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आपको सुना दूं कि आज इमरान खान साहब ने कल के इस रेल से क्या कहा था, इसके बाद हैदर अब्बास रिजवी साहब का जो रिस्पॉन्स है वो भी आपको सुनाएंगे। जी, किसको इजाजत मिलनी चाहिए कि आप अपने पास असला भी रखें, आपके पास बड़े बड़े मुजरिम जिन्होंने जो कातिल हैं उनको भी आपको पनाह दी हो, इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए था, ये एक्शन बड़ा डिले किया है। और ये इसे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से आजाद हो जाएगी। एमक्यूएम के अंदर अच्छे भले लोग हैं, उनके अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेचारे सारे अल्ताफ हुसैन की दहशतगर्दी की वजह से बेचारे फंसे हुए हैं। ये रेंजर के एक्शन को मैं कहता हूं कि ये देर करके आया है। मैं आज भी ये कहता हूं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बचाते रहे हैं एमक्यूएम के मुजरिमों को। अब ये जो एक्शन हुआ है ये कराची के लोगों को की आजादी की शुरुआत है। आज इमरान खान साहब के पीटीआई के बयानात बड़े वाजे हैं, सिलसिले में अलहदा हो जाएगी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से। अहमकों की जन्नत में रहते हैं इमरान खान साहब, ख्वाब है इमरान खान साहब का कि किसी तरह कराची की सियासत में वो अपना रास्ता बनाएं और एमक्यूएम की लाश पर अपने महल तामीर करें। जहरा शाहिद के कत्ल का इल्जाम हम पर लगाने वालों, जहरा शाहिद की बेटी के बयानात उसके ट्विटर के जरिए पढ़ लो। जी, आपने पहले गुफ्तगू सुनी इमरान खान साहब की, उसके बाद आपने सुना रिस्पॉन्स हैदर अब्बास रिजवी साहब का। एक अहम बात यह है कि आज एमक्यूएम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो यह कहा था कि जो भी शक शुबात या जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं कल के ऑपरेशन के हवाले से, उनके जवाब हम देंगे, लेकिन कई सवाल अब भी ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं दिए गए। मिसाल के तौर पर ये जो 5 अफराद जिनका कल जिक्र किया था रेंजर्स ने कि उनको हमने हिरासत में लिया है, उनको वो सजाए याफ्ता मुजरिम थे, इस हवाले से आज बात नहीं की गई कि उनका एमक्यूएम से ताल्लुक है, और अगर ताल्लुक है तो कितना गहरा ताल्लुक है। ये तो बताया कि वो एतराफ के इलाके से शायद उनको हिरासत में लिया हो, लेकिन ये नहीं बताया कि उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है या नहीं। एक और अहम सवाल जिसका जवाब नहीं दिया गया वो था असले के हवाले से, क्योंकि कल मुतजाद बयान आए थे। ये भी कहा गया कि ये असला हमारा है, हमारे पास इसकी परमिट और लाइसेंस मौजूद है, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब का कल यह बयान था कि ये तमाम असला जो था ये कंबल में 9-0 लेकर आया गया था। इस पर आज जो है वजाहत नहीं की गई। तमाम इश्यूज पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे एमक्यूएम 9-0 से वासे जलील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वासे जलील साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे इमरान इस्माइल साहब, वो भी कराची से हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से
सीनियर तजियाकार और सहाफी सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वासे जलील साहब, आगाज आपसे ही करेंगे। आज एक चीज तो मैंने नोट की, यह तासुर देने की बार बार कोशिश की गई है कि एमक्यूएम वर्सेज रेंजर्स के बीच में कोई तसादुम नहीं है। बड़ी हमने देखा कि एक रिकंसिलेटरी टोन थी आज एमक्यूएम की, लेकिन सर बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब अभी नहीं दिए गए, जिसकी मिसाल भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में दी। कल अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था कि बहुत सारा असला जो है वो कंबल में लेकर आए गए थे 90, ये एक बड़ा इल्जाम था रेंजर्स के इदारे पर। इसमें हकीकत क्या है, आज इसकी वजाहत क्यों नहीं की गई? देखें शहजाद, जो प्रोग्राम जो आपने बात की है, मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि काफ़ी उसमें बहुत सारे पॉइंट थे जो आप देख सके होंगे, यकीनन आप तक वो नॉलेज में आया होगा। बड़े वाजे तौर पे जो है उसको ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने दिखाया भी कि वो जो वेपन्स थे वो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके वो परमिट्स हैं बेसिकली, और जो भी असला 90 पर मौजूद था वो लीगल है। लेकिन जिस वक्त भी 90 के ऊपर जो वेपन होते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस जी, वो यहाँ पर लीगल होते हैं, और इसको ज़्यादातर इसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स भी हमने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए हैं, उसकी फोटोकॉपीज़ जो हमने मीडिया के सामने दिखाई थी कि ये हमारे पास प्रूफ्स मौजूद हैं, और इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उसको दिखा देंगे। जहाँ तक अल्ताफ भाई ने जो कल बात की, देखें 90 की जो प्रेमिस है वो उसके अतराफ में जो है सारे दीगर और भी घर यहाँ पर मौजूद हैं, रेजिडेंशियल एरिया है बेसिकली। मगर 90 जिसको हम कहते हैं वो कायद तारीख अल्ताफ भाई की रिहाइश का है, जो हमारा पॉलिटिकल हब भी है, हमारा हेडक्वार्टर, और उससे मुत्तसिल हमारे कुछ दफातर हैं, और उसी के साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट है जिसको हम खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट कहते हैं। इन तमाम सेक्रेटेरिएट में रेंजर्स और रेंजर्स जो है यहाँ पर आई थी और उन्होंने छापे मारे और यहाँ से साथियों को जो बेसिकली हमारे ऑफिस बेयरर हैं उनको गिरफ्तार किया। जो बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उठा रही है कि 4:30 का लगभग ये टाइम है मेरे ख्याल से, और इस टाइम पर ज़ाहिर बात है जो जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर सारे ऑफिस बेयरर हैं, यहाँ पर राबता कमेटी के अराकीन होते हैं, यहाँ पर जो शोभाजात हैं, जो ये वो तफसील है जो कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुके हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, वो जो अल्ताफ भाई ने कल बात की थी कंबल में असला लाने वाली बात, वो सच है, वो हकीकत है या नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ जो विटनेसेस हैं उन्होंने देखा है, जो यहाँ पर उस वक्त जब यहाँ रेंजर्स आई थी तो यहाँ पर मीडिया ने भी देखा है कि उसमें मुख्तलिफ असले जो हैं वो कंबल में मौजूद थे। तो देखिए जी, हम तो अपने प्रूफ दे देंगे, जब मैंने जैसे आपने कहा कि अब चूँकि ज़ाहिर बात है उसके हम अब बात सुन भी रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों को कोर्ट में पेश कर देगा, यकीनन फिर ये कोर्ट प्रोसीडिंग भी हो जाएगी, एक लीगल बाइंडिंग भी हो जाएगी, तो कोर्ट ऑफ लॉ में वो पेश कर देंगे, उनके वजाहत भी दे देंगे तमाम वो चीज़ें कौन सी थी। मगर अगर कोई इलीगल वेपन होगा तो उसकी गारंटी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि इलीगल वेपन यहाँ पर दिखाना रिकवर कराना वो कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे प्रूफ्स माजी में इस तरह हमने देखे भी हैं, इस तरह की चीज़ें भी देखी हैं कि आप किसी पर जो है वो बेजल डालने के लिए इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। अहम सवाल और भी हैं जो आपसे भी उठाऊंगा, सलीम बुखारी साहब से भी उठाऊंगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुख्तसर आपसे एक दो सवाल मैं करना चाहूंगा। हैदराबाद से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान जो कि एमकेएम और रेंजर्स को जो है अलग अलग करना चाहते हैं, इनमें शायद कोई तसादुम देखना चाहते हैं, और उनमें उन्होंने मिसाल दी चेयरमैन साहब इमरान खान साहब के जो आज स्टेटमेंट थे उनका उन्होंने हवाला दिया, और ये कहा है कि अगर वो सोचते हैं कि एमकेएम को साइड में करके कराची में वो सियासत कर सकेंगे या जगह बना लेंगे अपनी, तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। देखिए, हर किसी ऐसी बात नहीं है, तसादुम कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मकसद सबका एक है, और मैं समझता हूँ इसमें किसी भी जी शऊर को और जो एक कानून का एहतराम करने वाला शख्स है उसको एतराज नहीं हो सकता। इस वक्त कराची की जरूरत क्या है? कराची की जरूरत है अमन, कराची की जरूरत है कि वहां का कारोबार चले, वहां के लोगों को सुकून मिले, वहां के लोगों को तहफ्फुज़ का एक यकीन हो, जो एक अनसर्टेनिटी की कैफियत है वो खत्म हो। उसके लिए अगर कानूनी इदारे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम सबको उनसे तआवुन करना है, और इसमें बिल्कुल कोई सियासी मकासद नहीं होने चाहिए, और इसमें कोई इसको पोलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल जो है चाहे उसका ताल्लुक किसी इलाके से क्यों ना हो, किसी धड़े से क्यों ना हो, किसी जमात से क्यों ना हो,
क्रिमिनल एक्टिविटी से पूरा कराची मुतासिर होता है, आपके हमारे सबके बच्चे मुतासिर। जब आप ये बात करते हैं शाह साहब, तो बिल्कुल आप बजा फरमाते हैं, लेकिन ये बार बार बात क्यों आ जाती है कि एमक्यूएम को निजात दिलाने की जरूरत है अल्ताफ हुसैन साहब से? ये बात बार बार क्यों करते हैं इमरान खान साहब? ये तो उनका एक पार्टी का अपना इंटरनल मसला है ना, इमरान खान साहब को क्या लेना देना इससे? देखिए इमरान खान ये नहीं कह रहे, इमरान खान ये कह रहे हैं कि कराची एक बड़ा अजीज शऊर लोगों का शहर है, इसमें बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े समझदार संजीदा लोग हैं, और उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए और उन्हें अपनी फहमो फरासत से काम लेना चाहिए। वो अच्छे और बुरे की तमीज रखते हैं, उन्हें पता है कि कौन अनासिर हैं जो नुक्से अमन चाहते हैं, कौन है जो यहाँ का इस्तेकाम चाहते हैं। उर्दू स्पीकिंग लोगों में बहुत माजरत के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इसके बाद ऐसा लगता है कि एमक्यूएम को आजादी मिल जाएगी अल्ताफ हुसैन साहब से, ये कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है, और आज पहली दफा नहीं कहा, माजी में भी कहते रहे। देखिए ये तो फैसला, ये फैसला तो कराची के लोगों ने करना है ना कि वो किसका साथ देते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि कराची में अमन हो और कराची में शफाफ इंतखाबात हों और लोग बिला खौफ खतर अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, ताकि ये जो तासुर है ना कि लोग धौंस से, धांधली से, बंदूक की नोक पर किसी को ताबे करके अपने जेर करते हैं या वोट हासिल करते हैं, इस माहौल से हमें पूरी कौम को आजाद करवाना है। और फिर हर किसी की अपनी पसंद है, जो जिस नजरिए को चाहता है, जिस कायद का साथ देना चाहता है, वो हर किसी का जमहूरी हक है। शाह साहब, आज एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो हैदर अब्बास रिजवी साहब ने भी कही और कल अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कहा था कि एमक्यूएम पर इल्जाम लगाया जाता है आपकी जो कारकुन थी जहरा शाहिद उनके कत्ल का, लेकिन वो कहते हैं कि ट्विटर पे अब उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर आकर ये बात आम कर दी है कि वो जिम्मेदार जो है अपनी माँ के कातिल का पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ठहराती है, तो वो कह रहे हैं कि हमें क्यों बार बार जो है ब्लेम किया जाता है फिर इस पर? मैं समझता हूँ ये भी दुरुस्त नहीं है, इसको भी मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उनने ये नहीं कहा, उन्होंने ये देखिए उनका एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, जारा आपा का जो शहादत है वो एक बड़ी अफसोसनाक है, एक बड़ी उम्र रसीदा खातून थी, बड़ी बेबाक, बड़ी बहादुर खातून थी और बड़ी बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया गया। यकीनन उनके खानदान को हम सब अफसरदा है, उनके बच्चे तो यकीनन मुतासिर हुए, उनको ये एक फीलिंग थी कि जिस अंदाज में सबको खड़ा होना चाहिए था शायद उस अंदाज में खड़े नहीं हुए। लेकिन इसमें तो कोई दो आरा नहीं है कि जारा आपा के साथ सबको मोहब्बत थी, एहतराम था और उनकी शहादत पर हम सभी अफसरदा है, और यकीनन फैमिली का हक पहले है, लेकिन फैमिली ये बात तो दुरुस्त है ना कि फैमिली जो है वो नाराज है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप से। देखिए नाराज एक अंदाज में ये तो मैं नहीं कहूंगा नाराज है, लेकिन उनकी जो तवक्कुआत थी शायद हो सकता है कि हम उनकी तवक्कुआत पर ना उतरे हों, लेकिन खुदा ना खास्ता उनके हमारे मकासद में कोई फर्क नहीं है और उनकी हमारी सोच कोई जुदागाना नहीं है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, ये जो ऑपरेशन इस वक्त कराची में हो रहा है, आपके साथ पहले भी माजी में भी प्रोग्राम है, उस पर आपके ख्याल में ठीक सिमत में जा रहा है? और जो ये एक बात आज एमक्यूएम की जानिब से की गई कि सियासी कारकुन और दहशतगर्दों में फर्क रखना जरूरी है इस ऑपरेशन के दौरान? देखिए दो चार बातें शहजाद मेरे ख्याल से खुल के करनी चाहिए ताकि सही सूरत हाल सामने आ जाए। मुझे एक तो समझ नहीं आई कि इस ऑपरेशन की टाइमिंग जो है ये कैसे तय हुई, जब खासतौर से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर बड़ी दो जमातें हैं उनके बीच कुर्बतें हो रही थी, तो ये टाइमिंग इतने बड़े ऑपरेशन की किसने तय की और क्यों तय की? दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन का साइज देखिए, ऑपरेशन के साइज से यह लगता है, एक तासुर है मुझे है कि शायद कराची में कत्ल व गारत की जिम्मेदार सिर्फ एमक्यूएम है, बाकी जो वहां की फोर्सेज हैं उनमें से किसी का कोई यानी जिम्मेदारी नहीं है, बस सिर्फ एमक्यूएम है जो सब कुछ कर रही है। तीसरी बात यह कि आज अदालत का रवैया, यानी आमिर खान बहुत बड़े लीडर हैं, उनके हवाले से जब वकील ने बात की तो जवाब दिया गया कि भुट्टो जैसे बंदे को भी तो हथकड़ियां बांध के लाया गया था, क्या ये प्री माइंड सेट है? ये सारे सवाल फौज का फिर जाके अगले दिन रेंजर को शाबाश देना और वासे जलील साहब की तरफ से मीडिया ट्रायल की बात करना, ये सारी चीजें जो है
इस कैनवस के ऊपर। लेकिन सलीम बुखारी साहब, अभी जब कुछ अरसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब कराची में मौजूद थे तो ये तो तय हो गया था ना कि कोर कमांडर की निगरानी में अब ये कराची का ऑपरेशन होगा, डीजी रेंजर्स भी होंगे और आईजी सिंध भी होंगे और एपेक्स कमेटी में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब भी होंगे। अभी मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे इन चीजों पर एतराज कर रहा हूँ, मैं तो ये इंडिकेट कर रहा हूँ। एक बात ये है कि कराची का जो ऑपरेशन है एक एपेक्स कमेटी है, उस एपेक्स कमेटी की सरबराही तो वजीर आला सिंध करते हैं, तो क्या वजीर आला सिंध इससे ला ताल्लुक थे, क्या उनके इल्म में था, ये वो बताए ना कि वजीर आला सिंध एक तरफ एक कमेटी की सरबराही कर रहे हैं जिस कमेटी की इजाजत से ये कार्रवाई की गई, और अब वो एक तरफ किस्म की मजम्मत भी कर रहे हैं, ना इकरार करते हैं ना इनकार करते हैं, तो ये किस तरह ये बड़ा वैलिड पॉइंट है शाह साहब आपका। मुख्तसर अपना जुमला कंप्लीट कर लें बुखारी साहब, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सारी चीजें मैंने इंडिकेटर्स बताए हैं जो मेरे ख्याल से अनयूजुअल है। अब इसके पसमंजर में क्या है ये तय करना तो सियासी लोगों का काम है, आपके साथ वासे जलील साहब बैठे हैं वो आपको बताएंगे। मुझे दो बातों पर बहुत हैरत है, एक तो ये कि एमक्यूएम की लीडरशिप को अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि वो एक इशू के ऊपर एक बात करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक एक इशू के ऊपर खैर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं जो पूरी सूरत हाल को और गंभीर बना देती हैं। मिसाल के तौर पे असले वाली बात आपने कही, जब असला सारा लाइसेंस्ड है तो मेरे ख्याल से रेंजर के खिलाफ असले की चोरी का पर्चा दर्ज कराना चाहिए जाके थाने में कि वो असले वाला लाइसेंस याफ्ता असला ले गए उठा के। अदालत में सबूत देने का वक्त मेरे ख्याल से पता नहीं कब आएगा, तो क्लैरिटी के साथ बात करनी चाहिए। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है सलीम बुखारी साहब जी, आप ये पॉइंट मैंने भी उठाया था, आप एक ब्रेक के बाद अजीन आपके सामने फिर हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम अपने पैनल से बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लंदन से मौजूद हैं एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बड़ी इनायत नवाजे, शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन साहब हमने कल भी देखा जो रेड हुई उसके बाद आपकी भी गुफ्तगू सुनी और आपकी पार्टी का मौके भी जाना, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राबता कमेटी ने उसमें हमने देखा कि जो टोन थी फारूक सत्तार साहब की खास तौर पे बड़ी रिकंसिलेटरी मुफाहमाना टोन थी उनकी, और उन्होंने बार बार ये तासुर दिया कि रेंजर्स और एमक्यूएम के बीच में कोई मसला नहीं है, कोई तसादुम वाली सूरत हाल नहीं है। क्या आप भी इस पॉइंट को एंडोर्स करते हैं? मुझे नहीं मालूम कि फारूक सत्तार साहब के ना मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है या उनके जहन में क्या है, क्योंकि मैं कई रोज से जाग रहा हूँ और सोया नहीं हूँ। मैंने तो एक सीन वो देखा था जब 19 जून 1992 को आर्मी ऑपरेशन जनरल आसिफ नवाज की सरबराही में शुरू हुआ एमक्यूएम के खिलाफ, उस वक्त भी झूठ बोला गया था कि ये पथारेदारों कामदारों अगवा बराए तवान की वारदातें करने वालों लुटेरों के खिलाफ होगा, इस दफा भी यही कहा गया, लेकिन इसका टारगेट एमक्यूएम के अलावा कुछ नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पे कराची में कहा था, एमक्यूएम का भी नाम लिया था कि मिलिटेंट विंग है, जमात इस्लामी में भी है, मुस्लिम लीग में भी है, सुन्नी तहरीक में भी है, फला में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, फला में भी है, सब में है, लेकिन ऑपरेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम पर होता है। किसी भी आपकी भी बड़ी गहरी नजर है कराची पे, और अगर आप पिछले ये जो 1.5-2 साल से ये जो कराची का ऑपरेशन शुरू हुआ है इसमें हमने देखा है कि सबसे ज्यादा
रेंजर्स ने और पुलिस ने जो ऑपरेशंस किए हैं वो लियारी में किए हैं। कल हमारे साथ शाही सैयद थे एएनपी के, उन्होंने बताया कि हमारे दफ्तर पे भी जो है रेंजर्स रेड कर चुकी है। तो और उनका भी मौकिफ ये कि हम ये इस चीज से बालातर होके करेंगे कि कौन सी सियासी जमातें क्रिमिनल्स के खिलाफ होगा, चाहे वो कहीं पे भी बैठे हों। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्रिमिनल्स ये ठीक है कि लियारी में हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, और जगह भी हुआ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी जी। एएनपी के खिलाफ तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, शाही सैयद के घर पे कितने छापे पड़े आप जरा बताइए। अगर अल्ताफ हुसैन के घर छापे पड़ सकते हैं, अल्ताफ हुसैन की बूढ़ी बहन सायरा बाजी के घर, हमशीरा के घर छापे पड़ सकते हैं, तो फिर शाही सैयद क्या क्यों छापा नहीं पड़ा? और जमातों के रहनुमाओं जहां से अलकायदा के लोग पकड़े गए, उनके पूरे पूरे खानदान क्यों नहीं उठाए गए? इस तरह मेरी रिहाइशगाह पर रेंजर्स ने हमला किया है, मैं इसे छापा नहीं इसे हमला कहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े घर नहीं है, हमारे यहाँ छोटे छोटे 120 गज के घर हैं, 10 लाइनों में 100 मकानात होते हैं, 100 मकानात में 100 खानदान रहते हैं। इन्होंने पूरे महल्ले से लोगों को गिरफ्तार किया, 100 तकरीबन 20 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं जी। ये आज बताया गया अल्ताफ भाई, लेकिन कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, कल मैंने आपका इंटरव्यू सुना, तफसीली इंटरव्यू, जिसमें आपने कहा कि अगर 90 में या उसके एतराफ में क्रिमिनल्स हो और वहां पर आके पुलिस या रेंजर्स रेड करती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनका हक बनता है, उनको करना चाहिए। लेकिन आज आपका मौकिफ थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है, आज आप कह रहे वो रेड भी नहीं था, वो हमला था। वो हमला इसलिए था कि हुजूर शहजाद इकबाल साहब तेरे मोहतरम 90 यानी मेरी रिहाइशगाह से खुर्शीद मेमोरियल हॉल से एक आदमी भी, 5 आदमी जो वांटेड थे, जिन्हें पकड़कर पेश किया गया, उनमें से एक आदमी भी 90 या खुर्शीद मेमोरियल हॉल से नहीं पकड़ा गया। वो अजीजाबाद के इर्द गिर्द, मेरे मकान के इर्द गिर्द आगे पीछे गलियों से पकड़े गए हैं, जिन्हें ये शो किया गया कि वो मेरे घर से पकड़े गए हैं। और मैंने हमेशा कहा कि अगर क्रिमिनल मेरे इलाके में मौजूद हैं तो आप बिला झिझक आइए, उनको पकड़िए, लेकिन इस बात का जरा ख्याल रखें कि ये एक मुल्क की तीसरी बड़ी जमात के का मरकजी हेडक्वार्टर है, यहाँ पर अगर आप तरीके से जो जहां जहां वो रहते थे उनके घरों पे जाते, उन्हें पकड़ते, पकड़ के ले जाते, तो कोई शोर नहीं होता। आपने मेरे घर पे छापा मारा उसकी, अच्छा फिर अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ ये होती कि उन्हें गिरफ्तार ही करना है, तो मेरी बड़ी बहन जो अकेली बेवा अकेली बूढ़ी रहती हैं, उनके घर काय के लिए छापा मारा, उनका दरवाजा काय के लिए तोड़ा? अगर मैं वहां होता तो पहले मैं ये कहता कि आप वारंट, सर्च वारंट दिखाइए, फिर अंदर दाखिल होइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। अल्ताफ भाई, ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अल्ताफ भाई, ये आपकी वहां पे सिक्योरिटी होती है और अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है, और आपने खुद ये भी देखा है कि कितना असला वहां से निकला, क्योंकि आप लोगों को थ्रेट है,
जब इस सेंसिटिव माहौल में आपकी जमात वहां पर काम कर रही है, आपका हेडक्वार्टर वहां पर, तो ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े वॉन्टेड क्रिमिनल्स वहां पर बैठे हुए हैं और सालों साल से बैठे हुए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि किसी की सरपरस्ती होगी तभी ये वहां पर बैठे हुए हैं? आपने सुना नहीं, मैंने कहा 90 से कोई नहीं पकड़ा गया। नहीं सर, 90 की बात नहीं कर रहा हूं, एतराफ के इलाके से बात कर रहा हूं। तो 9 वो पकड़ना मेरा काम है या पुलिस का, रेंजर्स का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि वो पकड़े? ये उनका काम है, उन्हें किसने मना किया था पकड़ने को? उन्होंने वहां क्यों नहीं पकड़ा जाके? अच्छा, आपका एतराज इनके रेड या सर्च पे नहीं है, आपका एतराज जो है जिस तरीके से ये किया गया, आप समझते हैं कि उनको हेडक्वार्टर पे नहीं आना चाहिए था, 90 को नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमें तो ये भी मौकिफ मिला है ना रेंजर्स की जानिब से कि जो असला था वो खुर्शीद मेमोरियल हॉल से जो है वो बरामद किया गया है। खुर्शीद मेमोरियल हॉल में लाइसेंस का असला मौजूद था जो सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। कोई पार्टी पाकिस्तान की ऐसी नहीं है जिसके पास सिक्योरिटी के लोग असला याफ्ता असला के साथ मौजूद नहीं हो। अगर एक पार्टी भी पाकिस्तान में ऐसी है तो मैं सारी जिंदगी के लिए सियासत छोड़ दूंगा और रजाकाराना तौर पे दुनिया से बिल्कुल अलहदा हो जाऊंगा और कभी सियासत के अंदर कदम नहीं रखूंगा। लेकिन लेकिन क्या इमरान खान की पार्टी इसके पास असला याफ्ता लोग नहीं है क्या? इस पर आज इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मेरे दफ्तर से इतना असला निकलता, हमारे सेक्रेटरियट से निकलता, तो हमारा दफ्तर सील कर दिया जाता, हमें सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाती, इमरान खान साहब ने कहा आज। मेरे भाई शहजाद इकबाल साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बड़े आदमी हैं, बड़े एंकर पर्सन हैं, आप ये बता दीजिए कि क्या आपकी आंखों ने इमरान खान के जलसों में असला नहीं देखा क्या? क्या उनके जलसों में फायरिंग होते हुए नहीं देखी क्या? इंतखाबात में क्या आपने हुल्लड़बाजी होते हुए नहीं देखा क्या? क्या आपने पूरी पूरी कुर्सियां लूटते हुए और एक दूसरे पर मारम पीटी करते हुए नहीं देखा? क्या आपने खवातीन के ऊपर हमला करते हुए नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा जब बनी गाला ये जा रहे थे और पुलिस ने इनके कुछ लोगों को पकड़ा तो इमरान खान ने गाड़ी रोक के एक एक लड़के को छुड़वा लिया इसलिए कि वो सन ऑफ द सॉइल है, जमीन का बेटा है, उसने हिजरत नहीं की। मेरा कसूर यह है कि मेरे वालिदैन ने वतन बनाया और हिजरत करके यहाँ क्यों आए, ये मेरा कसूर है जिसकी सजा मुझे और मेरी कौम को और हर उस गरीब आदमी को दी जा रही है जिसके पास पाई पैसा नहीं है, खा वो सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो। अल्ताफ भाई, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपका ये जो असले वाली बात थी और कल आपने जब खिताब किया अपने वर्कर्स से, अपने कारकुनान से, तो आपने ये कहा कि रेंजर्स ये सारा असला 90 लेकर आई है कंबल में छुपाकर, लेकिन फिर एक मौके ये भी था कि परमिट भी है और लाइसेंस भी है, तो इन दोनों में से कौन सी बात अल्ताफ भाई दुरुस्त है? देखिए जनाब, एक तो वो असला है जो 90 पे लाइसेंस वाला असला मौजूद था, दूसरे एक असला रेंजर्स वाले लेकर आए। अगर जिस मुल्क के लोग और वो भी उस मुल्क की दिफाई इदारों के लोग कर्नल के ओहदे पर फायज आदमी ब्रीफिंग दे रहा है और वो ये कह रहा है ऐसा असला मैंने देखा ही नहीं, तो आपको कर्नल के ओहदे पे पहुंचाया किसने जिसने ऐसा असला देखा ही नहीं? कि ये तो बाहर
बाहर से कहीं आया है और लगता है कि नेटो कंटेनर से आया है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास आज की आप ट्वीट पढ़ लीजिए कि गुज़िश्ता रोज 90 पर छापे के मौके पर, ये मेरा नहीं है बयान, ये रेंजर्स का है, रेंजर्स के तर्जुमान कर्नल ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए 90 से जो असला बरामद हुआ उसमें नेटो का चोरी होने वाला असला भी शामिल है, जबकि आज यूएस स्टेटमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया गया। क्या इत्तलाआत अर्ज है कि अमरीका और एसाफ ने कभी भी कराची बंदरगाह को हथियारों ओब्लिक बारूद की तरसील के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया? ये रेंजर्स का स्टेटमेंट है हुजूर। तो जो कर्नल कौम को इतना गुमराह करे अल्लाह, तो फिर जान लीजिए कि दूसरे ममालिक हमारे इन इदारों पे क्या खाक यकीन करेंगे इनके वादों पर। अच्छा भाई, एक चीज से तो आप अगर आप मेरी बात माने, ये बहुत सारे लोगों को ताज्जुब बात है जब इतना बड़ी तादाद में उन्होंने असला देखा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप 23-25 साल से जो है पाकिस्तान से बाहर हैं, आप बर्तानिया में हैं, आपके नॉलेज में था कि आपके हेडक्वार्टर में इतना ज्यादा असला है, या आपको भी ताज्जुब हुआ था जब आपने फुटेजेस देखी उसकी? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये असला सिर्फ दो तरह का, इसमें एक असला था, एक वो जो 90 पे लाइसेंस वाला है जिसमें सबके टैग लगे हुए हैं, और एक असला वो है जो कंबलों में भर के रेंजर्स वाले खुद लेकर आए थे 90 पर। चले, अगर ऐसी बात है तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके सबूत भी होंगे। अल्ताफ भाई, थोड़े सियासी पहलू पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज हैदर अब्बास रिजवी साहब ने भी ये फरमाया, आप कह रहे हैं कि आपने मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो फायदा उठाना चाह रहे हैं इस इशू का, जो सर्च हुआ है, जो रेड हुआ है एमकेएम के दफ्तर पे, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के आज के बयान ये वाजे कर देते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो दूरियां पैदा करना चाहते हैं इसमें। और इमरान खान साहब ने आज फिर ये दोहराया, माजी में भी कह चुके हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब से आजादी अगर मिल जाए एमक्यूएम को, तो एमक्यूएम में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और वो बेहतर चला सकेंगे एमक्यूएम को। आपका क्या कमेंट है इस पे? देखिए, ये उनका अपना ख्याल है, वो मुझे यानी मेरे चाहने वाले जो हैं उन्हें मुझसे आजादी दिलाने के बजाय जरा अपनी उस बेटी को आजादी दे दें जिसको बगैर निकाह के उन्होंने सीता वाइट की कोख से जन्म दिया, उसको तो पहले गले लगा के आजादी दिला दे, फिर मेरी कौम को आजाद कराए। वो क्यों देखना चाहते हैं एमक्यूएम को विदाउट अल्ताफ हुसैन, माइनस अल्ताफ हुसैन क्यों देखना चाहते हैं आपके ख्याल में? ये आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, ठीक है, वो हरीफ है, लेकिन क्या मकसद हो सकता है फिर इमरान खान साहब का? मैं भी उनकी बेटी को यतीम अकेले बगैर बाप के नहीं देखना चाहता। अच्छा, अभी आपने ये जो बात की, मैं सन ऑफ द जी आपने ये बात की अल्ताफ हुसैन साहब के मैं सन ऑफ द सॉइल नहीं हूं, मैं थोड़े 2013 के बाद जो सूरत हाल है कराची की उस पर बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी जमात का आगाज जो है वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट से हुआ था, बाद में वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी। ये मुहाजिर जो है लफ्ज आप लोगों ने खुद छोड़ा था, आप हमेशा जब भी बात होती है तो आप कहते हैं कि मुहाजिरों को सन ऑफ द सॉइल नहीं समझा जाता, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे मुहाजिर शायद अब वो रुख कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तानी नहीं बनने दे रहे, पाकिस्तानी नहीं बनने दे रहे, जब वो MQM को जो स्टेटस को तोड़ना चाहती है, जो गरीबों की फला बहबूद चाहती है, जो टिकटों की खरीदो फरोख्त नहीं करती, सेनेट के टिकट नहीं बेचती,
कौमी सूबाई असम्बली के टिकट नहीं बेचती, इस गरीब जमात को जो मेरिट पर कारकुनों को टिकट देती है, इसको जब वो दीगर ममालिक में दीगर सूबों में नहीं फैलने देना चाहते तो वो मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाते हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, ये इंडियन एजेंट हैं, ये इसराइल के एजेंट हैं, ये अमेरिकन एजेंट हैं, ये फला के एजेंट हैं, ये इस किस्म के इल्जाम लगाकर ये पाकिस्तानियों में बदनाम करते हैं ताकि और ये इदारे जो है इंस्टीट्यूशन लॉ एनफोर्समेंट वहां भी ये सबक देते हैं। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कल इन्होंने छापों के दौरान इतनी मुगल्लेजात गालियां भी की हैं, हम तुम्हारी नस्लें बदलने आए हैं। मैं अल्ताफ साहब, क्योंकि हम नेशनल टेलीविजन पे बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसको दोहराना ठीक नहीं होगा, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये गिला आपका पीपल्स पार्टी से भी रहा है कि हमें सिंधी नहीं समझा जाता, अगर आप और आप ऑन रिकॉर्ड हैं, आप ये भी कह चुके हैं कि अगर हमें नहीं समझते तो सिंध, मैं जरदारी साहब से कह चुका हूं कि आप जबानी सिंधी ना कहिए, आप अमलन हकीकतन सिंध का नया सिंधी समझिए, उर्दू बोलने वाला सिंधी समझिए। जी, आप ये कह चुके हैं यकीनन, लेकिन मेरा सवाल अल्ताफ हुसैन साहब ये था कि ये आप बार बार उनसे गिला करते हैं, शिकायत होती है और हम देखते हैं कि हालात आप दोनों पार्टियों के दरमियान बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर आप साथ इकट्ठे भी हो जाते हैं, तो ये शिकायत भी होती है, आपके गिले भी होते हैं, लेकिन फिर साथ बैठ भी तो जाते हैं ना आप। देखिए, वी हैव टू लिव टुगेदर, वी हैव टू डाई टुगेदर, हम जो खाते हैं वही खर्च करते हैं, हम मरते हैं तो वही दफन होते हैं, हम पैदा होते हैं तो वही हमारी लाश दफन होने के लिए कहीं और नहीं जाती। ये बात सिंधियों को भी समझनी चाहिए, उर्दू बोलने वाले सिंधियों को भी समझनी चाहिए, आपस में लड़ लड़ के पूरे सिंध का सत्यानाश किया हुआ है, ये आपस की लड़ाई खत्म करनी चाहिए। मैं तो समझा ही सकता हूँ, जोर जबरदस्ती तो मैं नहीं कर सकता, मैं पॉलिटिशियन हूँ, कोई डिक्टेटर तो हूँ नहीं, नहीं वर्दी मेरे। लेकिन ये जो सिंध में ऑपरेशन है बिलखसूस कराची में, उसके कैप्टन तो सीएम सिंध कायम अली शाह साहब ही है ना? पास है बदकिस्मती से वर्दी, पाकिस्तान में कानून से मावरा है। जी अल्ताफ भाई, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसके कैप्टन तो सीएम सिंध हैं, जिनके साथ आपके ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हैं, और हमें भी जो रिपोर्ट्स मिली है वो रेंजर्स कह रही है कि हमने तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया था, सिंध हुकूमत, फेडरल हुकूमत ऑन बोर्ड थी, तो सिंध हुकूमत के नॉलेज में भी होगा जो ये कल छापा पड़ा है रेंजर्स का? सब झूठ है, सब धोखा है, अय्यारी है, बक्कारी है, धोखे बाजी है, वर्दी वालों का सरबरा सिविल ड्रेस में बगैर वर्दी के कैसे कप्तान हो सकता है? ये ऐसा ही है जैसे सदर मामलेकर बजाहिर तो तमाम मुसल्लह फौज के सरबरा हैं, लेकिन जब चाहे वर्दी वाला जाए लकड़ी लेके और टन 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 उनकी मेज पे करे और कहे के जाओ, तो वो सारा बड़ापन और वो जो एक क्या कहते हैं बनावटी बड़ापन है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ओला मिसाल, लेकिन अल्ताफ भाई,
अल्ताफ भाई, अगर ये बातें तो आपकी तरफ से ही सबसे ज्यादा मर्तबा मुतालबा किया गया है कि मार्शल लॉ लगना चाहिए, और अगर पूरे मुल्क में नहीं तो कम से कम सिंध और कराची में मार्शल लॉ लगना चाहिए, ये मुतालबा तो हमेशा आपकी तरफ से ही रहा है। तो आज भी मुतालबा करता हूँ, लेकिन मैंने एक मुतालबा कंडीशनल हमेशा किया है, मार्शल लॉ विद अ पर्सन हु इज ऑनेस्ट अनबायस्ड डेडिकेटेड डिटरमिंड एंड हैव द करेज लाइक कमाल अतातुर्क ऑफ तुर्की। अल्ताफ भाई, तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं इस ऑपरेशन पर, जो भी सेटअप है, जो भी इदारे हैं उनका एहतराम भी है और उनसे ही ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, और कल भी नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था, चौधरी निसार साहब ने फरमाया था कि ये फाइनल हम क्रिमिनल्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क भर से, और इन्हीं इदारों को हमने ट्रस्ट करना है इस पर। हमें ट्रस्ट इन्हीं इदारों पे करना है, ये ऑपरेशन इन्हीं इदारों ने करना है, इस मुल्क से इन क्रिमिनल्स को, इन दहशतगर्दों को इन्हीं इदारों ने साफ करना है, तो हमने उन पे ट्रस्ट तो करना होगा ना अल्ताफ हुसैन साहब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ साहब एक बहादुर निडर फौजी हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे लोग उन्हीं की तरह निडर और बहादुर हैं। हकीकत सुनना चाहेंगे, बड़ी कड़वी होती है तलख। कहते हैं कि अराउंड में रहने क्यों दिया, 90 के अराउंड में क्यों रहने दिया? मैं पूछता हूं, इसका जवाब दीजिए कि दुनिया में सबसे मानी जानी पहचानी टॉप मोस्ट ताकतवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काकुल एकेडमी एबटाबाद में थी, उसकी छांव में असामा बिन लादन 5 साल रहता रहा, तो इसका क्या मतलब है कि काकुल और एकेडमी ने उसे प्रोटेक्शन फराहम किया हुआ था, ISI ने उसे प्रोटेक्शन फराहम किया हुआ था, MI ने किया हुआ था, FIA ने किया हुआ था, किसने किया हुआ था? तो सबको क्यों नहीं पकड़ लिया, सबको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया, सबको क्यों नहीं बरतरफ किया गया? चलिए, आखिर में तो अल्ताफ भाई सब अच्छा हो गया ना, उसामा बिन लादेन भी मारा गया और आपके हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द भी जो क्रिमिनल्स थे उनको भी पकड़ लिया गया है, और आप जैसे कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अल्ताफ भाई आज जो 27 लोगों को पेश किया गया है जिसमें आपके बताया जा रहा है कि वो आपकी जमात के लोग हैं, उनमें आमिर खान साहब भी थे, आमिर खान साहब से आपके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, राबता कमेटी के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज हमने देखा कि उनको भी अदालत में पेश किया गया? रेंजर्स के कर्नल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आमिर खान को हमने गिरफ्तार नहीं किया है, आमिर खान को तो हमारे मेहमान हैं, और आमिर खान को तो हम सिर्फ पूछगछ के लिए कि ये कौन लोग हैं, शायद उन्होंने ही बुलाया था, तो हम पूछगछ के लिए लेके जा रहे हैं, गिरफ्तार नहीं किया, और आज आंखों पे पट्टी बांध के 90 दिन का रिमांड लिया है। तो ये सवाल तो उन कर्नल साहब से पूछिए जिन्होंने कल कुछ कहा था और आज अमलन कुछ और किया, मैंने तो नहीं कहा था। जी अल्ताफ साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है बिल्कुल, आपको नहीं आ जी अल्ताफ साहब? जी मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज कट गई थी, लेकिन अब आ रही आवाज। दो तीन मैं आपसे नाम जो है वो लेना चाहूंगा, कल हमने देखा जो आपके मैं फिर दोहराता हूँ, कौन सी आवाज नहीं आई आपके पास? नहीं, बस आखिर की बिल्कुल नहीं आई थी, आप चुप हो गए थे, मैं समझा था कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अल्ताफ हुसैन साहब, सौलत मिर्जा को 19 तारीख को फिर मैं दोहरा देता हूँ कि कर्नल साहब ने ये कहा था
कि ये हमारे जी जी वो बात सुन ली मैंने जी, ये हम इनको ऐसे ही लेके जा रहे हैं तो तस्दीक के लिए गिरफ्तार नहीं किया है। कल उन्होंने कुछ कहा था, आज कुछ और किया है, तो उनसे पूछिए, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है अल्ताफ हुसैन साहब, सौलत मिर्जा साहब उनकी उनका ताल्लुक भी आपकी जमात से बताया जाता है, 19 तारीख को उनको फांसी देने का जो है फैसला हो चुका है। आपके जमाने में अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, आज से कोई 20 साल 25 साल हो गए, उनका कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। ठीक है, लेकिन वो हो गए सौलत मिर्जा साहब जिनका आप कह रहे हैं कि अब ताल्लुक नहीं है, या फैसल मोटा है जिनको वली बाबर खान केस में जो है कन्विक्ट भी किया गया, उनको फांसी की सजा है, इन तमाम लोगों का जो है इनको क्यों जोड़ा जाता है फिर आपकी जमात से? ये कौन लोग हैं जो कि इनकी सरपरस्ती करते हैं? और अक्सर हमें सुनने में आता है कि फला शख्स का ताल्लुक जो है वो एमकेएम से निकला। अगर कोई भी किसी कत्ल के जुर्म में सबूत और शवाहिद के साथ साबित हो जाए, पाया जाए, और वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद भी, सदर के पास भी अपील भेजने के बाद, अगर वो सजा याफ्ता, अगर उसकी सजा माफ ना हो, तो फिर उसका अंजाम तो यकीनन जो गुना उसने किया है उसको मिलना चाहिए, ख्वाह उसमें मेरा भाई क्यों ना हो। लेकिन अल्ताफ साहब, अहम बात यह है जो कि मेरे ख्याल से आप भी सोचते होंगे कि ये इन लोगों की सरपरस्ती किसी लेवल पर होती है, क्योंकि आप तो यहां पे मौजूद नहीं है, और क्योंकि ये जब भी पकड़े जाते हैं ये कहते हैं हमारे ताल्लुक एमकेएम से, तो कहीं कि आपको लगता है कि किसी ना किसी लेवल पर इनकी सरपरस्ती होती है आपकी जमात में? वो सरपरस्ती अगर होती है तो वो भी आ जाएंगे सामने, सरपरस्त भी नहीं छूटेंगे। देखिए, एक ना एक दिन बकरी कितना ही बच जाए, आती छुरी के नीचे है, एक ना एक दिन। जी अल्ताफ हुसैन साहब, आपकी जमात के हवाले से एक यहाँ पे बहुत तज्जिया किया जाता है, बहुत क्या सराहियाँ होती हैं इस पर, मैं चाहूंगा कि आपसे डायरेक्टली पूछ लूँ, मुस्तकबिल में एमकेएम की भाग दौड़ कौन संभालेगा? ये बड़ा अहम सवाल है, और इस पर जब भी बात होती है कोई कहता है कि अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे, डिविजन्स बहुत सारे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा मुस्तकबिल में एमकेएम की भाग दौड़ कौन संभालेगा? ये सवाल आज से नहीं, जनरल आसिफ नवाज था 25 साल पहले, और 1992 को जंग की बैनर हेडलाइन थी, द चैप्टर ऑफ अल्ताफ हुसैन हैज बीन क्लोज्ड फॉरएवर। इफ देयर वुड बी मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन मुस्लिम लीग एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई नॉट in the MQM, this was the desire of the establishment. Still, if they do have the same desire, तो ये सवाल मुझसे क्यों पूछा जाता है? आप जरा ये सवाल पूछिए इमरान साहब। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ अल्ताफ भाई, क्योंकि आपकी पार्टी में जो है वो फैमिली पॉलिटिक्स का कल्चर तो नहीं है ना, और इसीलिए पूछा जाता है बार बार के मुस्तकबिल। खान, तुम भी इंसान के बच्चे हो, अगर कल तुम मर गए तो तुम्हारी कयादत कौन संभालेगा? आसिफ जरदारी, तुम्हारी कयादत कौन संभालेगा? और फजलुर रहमान, तुम्हारी कयादत कौन संभालेगा? और चौधरी शुजात, तुम्हारी कयादत कौन संभालेगा? और नवाज शरीफ, तुम्हारी कयादत कौन संभालेगा? सिर्फ ये सवाल अल्ताफ हुसैन से ही क्यों पूछा जाता है? सर ये तो बड़ी बड़ी पॉजिटिव बात है ना अल्ताफ भाई, क्योंकि देखिए उनके तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, फैमिली पॉलिटिक्स है, वो जाएंगे उनके साहबजादे आ जाएंगे, फैमिली में ही चलता रहेगा सारा कुछ। आपके यहाँ एक डिसिप्लिन है, एक पार्टी का आपका जो
डिसिप्लिन भी मुख्तलिफ है और आपका जो पार्टी का स्ट्रक्चर जो ढांचा है वो भी मुख्तलिफ है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है आपसे। अच्छा चलिए मान लेते हैं, शहजाद भाई बहुत जहीन आदमी है माशाल्लाह, कैसा घुमाते हैं आप बात को, अल्लाह कुर्बान होने को दिल चाहता है, वाह वाह सुभान अल्लाह 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 जोरे सवाल और ज्यादा करे अल्लाह जोरे सवाल। ये बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो जनाबे वाला जी 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 सुन रहे हैं अल्ताफ साहब, तो जनाब आवाज आ रही है आपकी अल्ताफ साहब जी, तो जनाबे वाला आप ये कह रहे हैं कि आप बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है और बड़े जनाब आपकी ना बुरूसी सियासत नहीं होती, हाय तो फिर मेरी पार्टी के लिए शहजाद भाई खुदारा तबलीग भी शुरू कर दीजिए, इसलिए कि मेरे यहाँ मुरूसी सियासत नहीं होगी, मेरा भाई नहीं संभालेगा, मेरा कोई कोई खानदान वाला नहीं संभालेगा, मैंने कलेक्टिव लीडरशिप दी है, एक आदमी को लीडर नहीं बनाया बल्कि मैंने लीडरशिप की एक पूरी फौज तैयार कर दी है, उसमें से लीडर चुने जाएंगे और अब आप खुद मुंतखब करेंगे जो मेरिट पे पूरा उतरेगा। मैंने अल्ताफ भाई इनमें से आपके फेवरेट कौन है जी? आपका वोट किसको जाएगा, आपका वोट किसको जाएगा, आपके फेवरेट कौन है इनमें से? देखिए मेरे सारे फेवरेट हैं, मेरे सारे प्यारे हैं, सब में कमजोरियां भी हैं, सब में अच्छाइयां भी हैं। अब आवाम को देखना है, कारकुनान को देखना है और पूरी राबता कमेटी को देखना है, उनका जहन क्या कहता है, ताकि सही डेमोक्रेसी हो। वी आर डेमोक्रेटिक पीपल, वी बिलीव इन दी इन ट्रू डेमोक्रेसी, नॉट द फ्यूडो और सूडो डेमोक्रेसी, नॉट द फ्यूडल डेमोक्रेसी, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द फ्यूडल्स फॉर द फ्यूडल्स ऑफ द फ्यूडल्स, वी आर फॉर द डेमोक्रेसी, पीपल फॉर द गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। अब वो है जनाब, तो मेरी पसंद ना पसंद फिर वहां पर ये मसला आ जाएगा कि अल्ताफ हुसैन ने फला जगह अपना पल्ला झुका दिया है, तो फिर आ जाएगा तुम भी इधर ही हवा दो जहां कायद ने कह दिया। मैं ये चाहता ही नहीं, मैं भी वोट दूंगा तो अपना खामोशी से वोट दूंगा। अच्छा सीक्रेट बैलेट होगा, मतलब ये आपका जो वोट है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा जी जनाब, ठीक है। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि इख्तलाफ की बातें की जाती हैं आपके दरमियान और गवर्नर इशरतुल इबाद साहब के दरमियान, क्या कोई किसी किस्म का इख्तलाफ है आप दोनों के दरमियान? हमारे दरमियान बहुत इख्तलाफ आते हैं, बहुत इख्तलाफ आते हैं, उनके बाल अजीब तरह से होते हैं बने हुए, मेरे बाल दूसरे तरीके से बने होते हैं, उनकी चाल अलग है मेरी चाल अलग है, इख्तलाफात तो है नहीं, मैं सोच की बात कर रहा हूँ, पार्टी को चलाने के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसमें कोई इख्तलाफ है? बिल्कुल इख्तलाफ है, वो ठहर ठहर के बोलते हैं, मैं रवानी से बोलता हूँ, तेजी से बोलता हूँ। मैंने घुमा के सवाल किया था, आपने मुझे बड़ा घुमा के जवाब दे दिया। वो इस बात का ख्याल करते हैं कि बोलो ऐसे कि दूसरा जो है वो जवाब भी मिल जाए, नाराज भी ना हो, मैं इसकी कद्दू फिकर नहीं करता कि सामने वाला नाराज हो या नहीं हो, मैं खट जो दिल में आता है बोल देता हूं। अल्ताफ साहब कल जो है वजीर आजम साहब मौजूद थे कराची में, मोटरवे का इफ्तिताह हुआ, बड़ी अच्छी बात है, कराची से लाहौर और कराची से हैदराबाद का मोटरवे बनेगा,
लेकिन इसी दौरान ये खबरें भी बड़ी गर्म थी कि रेंजर्स का छापा जो है वो 9-0 पर हुआ है, लोगों को अरेस्ट किया गया है, असलाह मिला है, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने, बिल्कुल इसको जो है इग्नोर किया इस इशू को। रात को हमने देखा वजीर दाखला का जो है वो जवाब आया और वो भी इसके हक में था कि हाँ इंटेलिजेंस थी इसलिए छापा पड़ा था। वजीर आजम को तो अल्लाह उन्हें सही रख के, वजीर आजम को तो, वजीर आजम बेचारों को तो हर रात को ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरा 8 का दिन निकल गया, कल का दिन भी निकाल दीजिए और मेरे 5 साल पूरे कर दीजिए। उन्हें तो हर रोज यही फिक्र लगी रहती है कि उनकी परसों तरसों आगे गवर्नमेंट रहेगी भी या नहीं रहेगी। जी गवर्नमेंट तो लेकिन जो है नवाज शरीफ साहब ही चला रहे हैं ना इस वक्त, और ऐसा लगता है कि कोई बड़ा हर्डल भी नहीं है जब से ये कंटेनर इमरान खान साहब वापस लेके गए हैं, टाइम तो पूरा कर लेंगे ना अल्ताफ हुसैन साहब। गवर्नमेंट में कुछ चीजें नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स नवाज शरीफ साहब पता ही नहीं चला रहे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स गवर्नर वजीर आजम साहब बिल्कुल नहीं चला रहे। दोस्ती किन मुल्कों से होगी किन मुल्कों से नहीं होगी ये वजीर आजम साहब बिल्कुल नहीं चला रहे। मेरी तरह सच बोलने वाला पाकिस्तान में है ही नहीं कोई माई का लाल जो इस तरह सच बोले। इसीलिए तो कहते हैं जरा संभल के बात करना, क्यों के जवाब तकासा मिलता है, नहीं है ईमान से वजीर आजम के पास अख्तियार। लेकिन अगर अभी आप खुदा की कसम वजीर आजम के पास जाएंगे वो कहेंगे आपके पास अख्तियार है, तो कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास अख्तियार है, कैसे नहीं है, मैं वजीर आजम हूँ मुल्क का, मैं ये हूँ, वो इनकार थोड़ी करेंगे, वो इनकार थोड़ी करेंगे, वो ये कह देंगे कि नहीं मेरा अख्तियार नहीं है, ताकि फिर डंडा आए वर्दी आए और फिर टप 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 टपों की आवाजें आए और टप 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 की आवाजों के बगैर छिन 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 करके खामोशी हो चले जाए। वो अल्ताफ भाई हम उम्मीद करते हैं कि उनके भी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात मजीद बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अहम सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वो ये है कि आपके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से कैसे बेहतर होंगे? मेरे सर एक बुनियाद पे सच्चाई, मैं खुदा की कसम फौज पाकिस्तान हर किसी की इज्जत करता हूं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी वाहिद पार्टी है जिसने 1 मिलियन का ज़र्बे अस्त और जनरल राहील शरीफ की हिमायत मुसल्ला फौज की हिमायत में ज़र्बे अस्त की हिमायत में जुलूस निकाला MQM में, किसी और जमात या किसी माइकेलाल लीडर में हिम्मत नहीं हुई के निकाल सके, इसलिए उसको अलकायदा से डर था, दाइश से डर था, उसको तालिबान से डर था। मैं पैसे का मामला करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे और फौज MQM और फौज के दरमियान गलतफहमियां दूर हों। मैंने आपको बताया GHQ पे हमला हुआ, कामरा बेस पे हमला हुआ, नेवल बेस पे हमला हुआ, ISI के ऑफिस पे हमला हुआ, CIA की बिल्डिंग पे हमला हुआ, किस जगह हमला हुआ जहां फौज के लोग
शामिल, तालिबान के साथ नहीं थे। इसका मतलब यह है कि पूरी फौज तालिबान है? नहीं। इसी तरीके से अगर एमक्यूएम में कुछ लोग खराब है तो पूरी एमक्यूएम खराब नहीं है। हम जिस तरह फौज इखराज करती है, ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एमक्यूएम अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को, 50,000 से ज्यादा लोगों को पार्टी से भक्तल कर चुकी है या खारिज कर चुकी है, जिसमें अल्ताफ भाई मैं ये आपने खुद ही इसका जिक्र छेड़ दिया, बड़ी अहम बात है जो मैं भी करना चाह रहा था। अल्ताफ भाई, आपकी पिछली कुछ खिताबात ऐसे हैं जिसमें आपने अपनी पार्टी के ऊपर ही संगीन किस्म के इल्जाम लगाए हैं, और बाद में हम टॉक शो में उनसे पूछते भी रहते हैं, वजाहत भी करते रहते हैं। आपने चाइना कटिंग का जिक्र किया, आपने कहा ये पार्क भेज देते हैं, गलियां भेज देते हैं, आपने कई मरतबा जो है पूरी राबता कमेटी खत्म करके, तहलील करके नई राबता कमेटी भी जो है वो बनवाई गई है। तो ये कौन लोग हैं आपकी पार्टी में? आपने कभी उनका नाम नहीं लिया बराह रास्त, लेकिन ये कौन ऐसे लोग हैं? आप, ये मेरा काम नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लूं। ये मेरा काम नहीं है शहजाद अकबर साहब कि उनके खिलाफ एक्शन लूं। मेरा काम ये है तहकीक करूं, और अगर साबित हो जाए तो उन्हें ओहदे से अलहदा कर दूं, या पार्टी से खारिज कर दूं, या मुअत्तल कर दूं। लिहाजा कुछ को खारिज किया पार्टी से, कुछ को मुअत्तल किया, कुछ को मुअत्तल किया, कुछ को ओहदों से हटाया, जो जितने बड़ी सजा में मुलव्वस पाए गए उस हिसाब से मैंने इन लोगों को मुअत्तल भी किया, बुनियादी रुकनियत से खारिज भी किया, ओहदों से हटाया भी मैंने। अब अगर मैं ये कहता मेरे यहां सारे फरिश्ते हैं, नहीं, मैं अपने यहां सबसे पहले चीखा कि मुझे अफसोस होता है मेरे लोग इस गंदे चक्कर में पड़ गए, और मैं बहुत गमजदा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, और मैंने ओवर हॉलिंग की, बार बार मैंने राबता कमेटी तब्दील की, काय के लिए? जाति पसंद नापसंद की बुनियाद पर? जी नहीं, इसलिए। और कल भी मैंने कहा, खुदा की कसम आज भी कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपको खिताब से पहले 10 मिनट पहले मैंने पाकिस्तान राबता कमेटी से बात कर रहा था। मैंने कहा, बार बार मैं पूछता रहा, इर्द गिर्द कोई क्रिमिनल तो नहीं रहता? तुम लोग, तुमने कहा नहीं रहता, मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे सच क्यों नहीं बताया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आज भी चिल्लाया हूं, मैं क्या कर सकता हूँ? भाई, आप ये कह रहे हैं कि उनकी नॉलेज में शायद ये बात थी कि यहाँ पे क्रिमिनल्स जो है वो रह रहे? यकीनन। ये आप इन 5 अफराद के हवाले से बात कर रहे हैं जिनको कल अरेस्ट किया गया है? यकीनन सबके इल्म में नहीं थी, यकीनन सबके इल्म में नहीं थी, लेकिन कुछ के लाजमन इल्म होगी, लाजमन इल्म होगी सब, और मैं तहकीक कर रहा हूँ। अल्ताफ भाई, इसीलिए तो मैंने पहले आपसे सवाल किया था कि कुछ ऐसे अनासिर हैं जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि यकीनन ऐसे चंद लोग हो सकते हैं जिनकी नॉलेज में हो? यकीनन। मैं झूठ क्यों बोलूं भाई? अगर मेरे घर की बात आ जाए तो मैं कहूं ना, सब अच्छा ही अच्छा, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल मुनाफिकीन। अल्लाह का करम है, ना मैं झूठा हूं, ना मैं मुनाफिक हूं। तो अल्ताफ भाई, अब इसकी तहकीकात आप बर्तानिया में बैठे हुए कैसे करवाएंगे कि कौन ऐसे लोग थे जिनकी नॉलेज में ये बात थी? जो अब तक मैं करता रहा हूं, आखिर मैंने ठीक किया नहीं किया? अब नहीं हो रहा शहजाद अकबाल साहब, अब कोई जमीन पर कब्जा नहीं हो रहा कहीं पर, कम अज कम एमक्यूएम इन्वॉल्व नहीं है, लैंड माफिया है, एमक्यूएम का आदमी नहीं है,
और अगर पता लग जाता है किसी एक के बारे में भी, तो बखुदा तहकीक करके उसको निकाल दिया जाता है। अच्छा ठीक है, तो अब आप समझते हैं कि आपकी राबता कमेटी और ये तमाम जो आपके अरकान है वो अब क्लीन हो चुके हैं, मतलब कोई उनमें ऐसे अनासर नहीं है जो कि करप्शन में हो, लैंड माफिया के कोई भी उन्होंने ऐसे काम किया हो लैंड ग्रैबिंग के हवाले से, आप समझते हैं कि बिल्कुल क्लीन हो चुकी है आपकी पार्टी? मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा। क्लीनिंग का अमल हमेशा ऑब्जर्वेशन, विजिलेंस कमेटी और नजर रखने वाली कमेटी के जरिए होता रहता है, और वो अमल के लिए मैं कई कमेटियां और तश्कील दे चुका हूं, और मजीद जो जो जरूरत पड़ रही है उन कमेटियों को मैं तश्कील दे रहा हूं। ठीक है अल्ताफ भाई, पार्टी मुत्तहिद है या इसमें डिविजन्स हो चुके हैं? आपकी पार्टी मुत्तहिद है या आपको लगता है कि ग्रुप बंदी हो चुकी है आपकी पार्टी में? आप दूसरे ग्रुप का नाम बताइए ताकि फिर मैं विवाद करूं। नहीं सर, मैं तो सवाल ही पूछ सकता हूं आपसे, आपको आपकी पार्टी के बारे में ज्यादा इल्म होगा। यहाँ पे ये रूमर्स बड़ी चलती रहती हैं कि बड़े ग्रुप्स बन गए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस बात में कोई सदाकत है या नहीं? देखिए, झूठों पे खुदा की लानत, मैं पहले कह चुका हूं, जिन्होंने पहले रूमर्स उड़ाए, झूठे इल्जाम लगाए, उनका हशर भी अल्लाह ने मुकाफात अमल के तहत बहुत इबरतनाक किया। आज जो झूठा अमल, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, उनका भी हशर अल्लाह मुकाफात अमल के तहत बुरा करेगी। आज के दिन तक MQM के अंदर अल्लाह के फजल व करम से कोई ग्रुप मौजूद नहीं है, अल्लाह के फजल व करम से आज के दिन। कल हो जाए ये मुझे उसका नहीं है। ठीक है, मुझे अल्ताफ हुसैन साहब ये बताएं कि अब उम्मीद की जा रही है कि बलदियाती इंतखाबात भी जल्द हो जाएं तमाम सूबों में और सिंध में भी। कराची से आपकी पार्टी पिछली दफा जीती थी, लेट्स सपोज एक मफरूजे पे बात कर लेते हैं, अगर आपकी पार्टी फिर जीत जाती है, मेयर के लिए कोई मुस्तफा कमाल जैसा कैंडिडेट है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, कराची में जो उन्होंने काम किया था उसकी तारीफें जो है वो लाहौर में भी सुनी जाती थी, तो ऐसा कोई मुस्तफा कमाल टाइप आपके पास कैंडिडेट है जो कि कराची का मेयर बन सकेगा? मुस्तफा कमाल को आप जानते हैं? जी सर, इंटरव्यू तो किया है मैंने, इस हद तक जानता हूँ, जाती तौर पर नहीं जानता, उनका काम मैंने देखा है। नहीं, जब काम नहीं देखा था उससे पहले आप जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता था। हैं? तो अभी बिल्कुल तो नहीं जानता था भाई। अभी तो मेरे पास अल्लाह का करम है, काम करने वालों की पूरी फौज है, अल्लाह का करम है, अभी तो काम करने वालों की मेरे पास पूरी फौज है। आप देखते रहिए, मैं एक से बढ़कर एक आदमी इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा इंशाल्लाह, जो पहले से आगे बढ़कर अच्छा काम करके दिखाएगा। जी ठीक है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कितना बड़ा थ्रेट है MQM के लिए कराची में, चाहे वो आम इंतखाबात हो या बलदियाती इंतखाबात हो? तहरीक अल्ताफ भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी शहजाद भाई, आपकी आवाज आ रही है। तहरीक इंसाफ पहले जो उसके अंदर थ्रेट्स पाए जाती हैं, कुर्सियां एक दूसरे पे मारी जाती हैं, सर फुटव्वल होता है, एक दूसरे का कत्ल तक कर दिया जाता है, पहले वहां तो संभल ले पहले अपने अंदर, उसके बाद आगे की बात होगी। अच्छा अल्ताफ भाई, एक और बड़ा अहम सवाल है और इस हवाले से सोशल मीडिया पे भी बहुत बात हुई है, आपकी सेहत के हवाले से कि आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। माशाल्लाह बात करने में तो आप मुझे बड़े फिट साउंड कर रहे हैं, आप लेकिन बताएं आपकी सेहत, आपकी तबीयत ठीक है?
के अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, लाख लाख शुक्र है। चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, बोलता हूँ, रात दिन काम करता हूँ, और जितना मैं दावे से चैलेंज से कहता हूँ। और अगर शहजाद भाई आपको यकीन ना हो तो मुल्क को तो छोड़ दीजिए, मैं आपको आपको लंदन आने का टिकट देता हूँ और आपको अपने साथ रखता हूँ। मैं जिस वक्त उठूंगा उस वक्त आप उठेंगे, और जब तक मैं नहीं सोऊंगा आप नहीं सोएंगे। देखता हूँ कितने दिन आप अच्छा भाई मुझसे कह रहे जी, मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा ये बात दोहरा दे, ये बात मैं आपकी मैं सही तरह सुन नहीं सका। मैं आपको एक्सक्यूज मी, मैं आपको जी लंदन आने का टिकट देता हूँ, मेरे साथ आप रहिए, ठीक है जी? जी जी, मुश्किल में डाल दिया। टिकट तो खैर मैं खुद इंतजाम कर लूंगा, लेकिन जो रहने का सवाल है इस पे भी थोड़ी सी मुशावरत कर लेता हूँ पहले मैं किसी से। नहीं नहीं, मेरे साहब का मतलब मेरे बेड पर बहुत आप रेडी है भाई, बराबर वाले कमरे में। नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था कि आप मुझे इस चीज के लिए दावा दे रहे, लेकिन आगे आप फरमाइए क्या कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं जब उठूंगा आपको दरवाजा नॉक करूंगा जी, फिर आप उठ जाइए, और जब तक मैं ना लेटूं, ना सोऊं, ना खाऊं, ना आप खाएंगे, ना आप सोएंगे, और मैं देखता हूं आप मेरे साथ कितने दिन चलते हैं। इतनी मुश्किल कंडीशन तो मेरे घर पे भी नहीं लगती है अल्ताफ साहब। मैं आपको तो पेशकश कर रहा हूं ये देखने के लिए, हम दोनों चैलेंज ऐसे देखते हैं किसकी सेहत और स्टेमिना किसका ज्यादा है। सही है, समझ गया अल्ताफ साहब आपकी बात में। अल्ताफ साहब ये बताएं कि इतने स्ट्रेस में रहते हैं, खबरें आती रहती हैं, लंदन के मुकदमात अलग हैं जिन पे मैं इस प्रोग्राम में बात नहीं कर सका टाइम की कुछ कमी की वजह से, लेकिन क्योंकि याद आ गया तो कर भी लेते हैं। सुनिए जी 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 जी, लंदन के मुकदमात में क्या होगा, क्या होगा नहीं, मैक्सिमम क्या होगा, सजा हो जाएगी। सजा भाई इससे ज्यादा क्या होगा, सजा हो जाएगी। मैं कह रहा हूं वर्स से वर्स सजा होगी ना जी, सजा हो जाए तो मैं बहादुरों की तरह सजा काटूंगा, रिहाई की भी नहीं मांगूंगा। अल्ताफ भाई अगर आप सजा काटेंगे, अगर सजा होती है जो इसका आप जिक्र के लिए, जनरल परवेज मुशर्रफ या ज़ियाउल हक या किसी जर्नल से माफी नामा लिखूंगा आपको। लेकिन अल्ताफ भाई अगर आप कह रहे हैं कि सजा हो जाए तो हो जाती है तो हो जाए, कोई इशू नहीं है, काट लूंगा सजा, अल्ताफ भाई पार्टी का क्या होगा फिर, पार्टी कौन चलाएगा, पार्टी के अहम फैसले कौन करेगा? मेरी पार्टी को सब जानते हैं और मुझे सब जानते हैं कि मैं, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, मैं ज़ियाउल हक मरहूम के दौर में 9 महीने 5 कोड़ों की सजा काट चुका हूं ऑलरेडी। मैं ऑलरेडी 9 महीने 5 कोड़ों की सजा राहुल हक के दौर में काट चुका हूं
मेरी पार्टी चलती रही, अल्लाह के फजल और करम से मेरी पूरी टीम मौजूद है, मेरे साथी मौजूद है। अच्छा, हमारा राबता मुनकता हो गया है अल्ताफ हुसैन साहब से। एक आखिरी सवाल हम उनसे पूछना चाह रहे थे, हम कोशिश करेंगे उनको फिर अगर हम कांटेक्ट कर सकते, क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम था जो मैं करने जा रहा था उनसे, कि इतने स्ट्रेस में अल्ताफ हुसैन साहब जब रहते हैं, चाहे वो लंदन के मुकदमात हो या कराची के मामला हो, तो उनमें वो रिलैक्स कैसे करते हैं। और मैं चाह रहा था कि अगर हम उनसे फिर बात कर सके, तो वर्ल्ड कप जारी है, उनके हवाले से भी एक सवाल पूछ लें कि क्या क्रिकेट वगैरह देखने का शौक है। एक टीम तो उनकी हार चुकी है, इंग्लैंड तो बाहर हो चुका है वर्ल्ड कप से, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी भी जो है इस वर्ल्ड कप का हिस्सा है। तो अगर हम फिर उनसे कांटेक्ट कर सके तो उसमें बात करेंगे। लेकिन तफसीलन जो हमने उनसे गुफ्तगू की है अब तक, कल जो रेंजर्स का छापा था उस हवाले से भी, अल्ताफ साहब लाइन पर हैं हमारे साथ? जी अल्ताफ हुसैन साहब, बिल्कुल प्रोग्राम में वाइंड अप करने लगा हूं। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इतने स्ट्रेस में रिलैक्स किस तरह करते हैं। कोई आ गया बाहर वर्दी वाला? ऐसी नहीं, वर्दी वाला कोई नहीं आया। अल्ताफ हुसैन साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, वैसे ही जो है थोड़ा सा ओवर टाइम चले गए। मुझे लग रहा है कि आपको बात करने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मजीद। प्रोड्यूसर साहब, थोड़ा सा चलने दीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए, मेरी तरफ से थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे दीजिए। प्रोड्यूसर साहब चलने दीजिए यार, मजा आ रहा है। अच्छा अल्ताफ हुसैन साहब, रिलैक्स कैसे करते हैं? वर्ल्ड कप भी जारी है, मैंने ये जिक्र किया, इंग्लैंड की टीम तो बाहर हो चुकी है, पाकिस्तान अभी इस वर्ल्ड कप में है, तो क्रिकेट वगैरह देख रहे हैं, फोकस है वर्ल्ड कप पे या सारा ध्यान पार्टी के मामलात पर है? वर्ल्ड कप में टीम वर्क की बहुत जरूरत है, बाकी बहुत अच्छी चीज है, और फील्डिंग की अच्छी फील्डिंग अच्छी करने की जरूरत है, फील्डिंग की कमजोरी है। इंशाल्लाह अगर इन दो चीजों पे, फील्डिंग पे और टीम वर्क पे, यानी ये नहीं कि मैं हीरो बन जाऊं, मैं हीरो ना बनूं, टीम हीरो बने, मुल्क हीरो बने, टीम वर्क के साथ काम करें और फील्डिंग अच्छी करें, अपने खुदा के लिए फील्डिंग पे ध्यान दें, तो हमको उम्मीद है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुरखरू होके पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में हमारी टीम। सही अल्ताफ हुसैन साहब, सिंध हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपका क्या ख्याल है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सर ये तो आप और रहमान मलिक साहब बेहतर जानते होंगे, क्योंकि मामला जितने भी गड़बड़ हो आपके दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जब वो आपसे मुलाकात करते हैं इसके बाद मामला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। रहमान मलिक साहब की ख्वाहिश तो ये है कि हम ज्वाइन करें और मैं समझता हूँ कि साथियों से भी मैंने अपनी राय साथियों को दी है कि जहां आप पहले भी करते रहे हैं वहां एक और मौका देने में कोई हर्ज नहीं है, मिल के साथ काम करें, आवाम की खिदमत करें, तरक्कियाती काम करें, जो खिदमत कर सकते हैं करें, अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, ताकि हम कम से कम कुछ थोड़ी बहुत तो आवाम की खिदमत कर सकें। जी अल्ताफ हुसैन साहब, मसला ये है ना कि ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सुनने में तो अच्छी लगती है, और आप लोग कहते हैं कि ये होना भी चाहिए सिंध के और पाकिस्तान के और शहरियों के वसीतर मफाद में, लेकिन फिर आप इसी तरह बाहर भी आ जाते हैं और उस वक्त भी आप यही जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, आपकी पार्टी यही जस्टिफिकेशन देती है कि बाहर आना ही अवाम के हक में बेहतर है। ये बात भी सही आप कह रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन मुझको माननी पड़ती है ना। असल में मैं इस टाइप का आदमी तो नहीं हूं ना, मेरा यानी मेरी खरीदी भी पार्टी तो नहीं है ना, मैं जागीरदार वडेरा ना हूं ना ही मैं सरमायादार हूं, तो मुझको डेमोक्रेटिक अंदाज में पार्टी चलानी पड़ती है।
मुझको तो ये आपकी पार्टी में क्या मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, मतलब तीन तीन महीने में फैसले कर रहे होते हैं, आना है जाना है आना है जाना है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने बड़े संगीन इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने ऐसे पुलिस वाले भर्ती किए हुए हैं जिनका काम यही है कि एमक्यूएम के लोगों को निशाना बनाए, और अगले हफ्ते फिर हमने देखा कि साथ मिलने की बात हो रही थी। ये हमारे लोगों को बोलने की इजाजत है कि सब अपना अपना ख्याल अपने हिसाब से जो महसूस करें वो पेश कर सकें, और उन्होंने पेश किया और वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, तो हम सुनते सबकी हैं, लेकिन मेजॉरिटी में अगर ये फैसला हो जाए कि नहीं साथ नहीं चलना, तो फिर इसके कई इजलास होते हैं जब कम से कम तीन सेशन फाइनल ऐसे होते हैं जिसमें फैसला होता है कि हाँ भाई रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन, एक दफा रीथिंकिंग कर लो फिर रीथिंकिंग कर लो, उसके बाद जब एक ही फैसला होता है तो उस पर हम फैसला कर लेते हैं और खुदा हाफिज कह देते हैं। जब ये होता है जैसे अब आपने इससे अभी सवाल किया कि ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभी तक जो सेशंस हुए हैं उसमें तकरीबन 70 अगर 70 नहीं तो 65 और 35 का रेशो आ रहा है, मतलब 65% मामलात तय हो चुके हैं। नहीं 65% लोग तरफदार हैं मेरे। अच्छा तरफदार MQM के होने चाहिए, तो अब दो तीन और इजलास होंगे उसमें अगर ये तादाद मिनिमम हमारे यहाँ 75% अगर 75 अल्ताफ हुसैन साहब, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आपसे चंद और सवाल भी हम कर लें, तो बड़ा अहम सवाल ये भी है जो डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल केस है उसमें दो कहा जा रहा है कि मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हैं पाकिस्तान में, और स्कॉटलैंड यार्ड ने भी कहा है कि वो लोग हमें मतलूब हैं उनको हमारे हवाले कर दिया जाए, तो आपके ख्याल में ऐसा कर देना चाहिए ताकि ये जो केस है इसके ये आगे बढ़े? अगर देखिए ये मेरे इल्म में जिस तरह आपके इल्म में है इसी तरह मेरे इल्म में है अखबारात के जरिए के दो लोग हुकूमत के पास हैं, अगर दो लोग हुकूमत के पास हैं तो मुझे तो कोई मतलब कम से कम जाती तौर पर कोई ऐसा खौफ या उज़र मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें पेश न किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि अगर बेहतर है तो पेश कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं। और इन दोनों केसेस का, एक तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का था और डॉक्टर इमरान का केस था, उसमें आपके हवाले से क्या स्टेटस है, कानूनी स्टेटस की बात कर रहा हूं मैं? देखिए डॉक्टर इमरान फारूक का तो हमने कहा है कि हम मौजूद हैं, हम भागे तो नहीं है कहीं, और न छुपे हैं, सबके सामने हैं, दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है आप जानते हैं बरतानिया की, और सब इस पे तहकीकात कर रहे हैं। कोई भी उनको अगर इस बात का सबूत सॉलिड मिल गया कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो यकीनन हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, लेकिन ऊपर वाला गवाह है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारा क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा
ऐसे थे, बहुत रहीम, बहुत काबिल आदमी थे, वो बहुत बड़ा सरमाया थे हमारा तहरीक का, वो हमसे छीन लिया गया। क्यों छीना गया? हम खुद भी इसकी तलाश में हैं, जस्तजू में हैं, ताकि हमें पता लगे कि इसका मकसद क्या था। ऐसा जो है। अच्छा, ये भी जो है बीच में जब इत्तला आई थी कि बहुत सारी रकम जो है वो आपके दफ्तर से मिली है, आपके घर से भी गालिबन मिली है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और इस हवाले से भी कहा जा रहा था कि आपके वहां पे अकाउंट्स भी जो है वो आपकी पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, क्या अभी तक सीज हैं या जो है ये अब मामला खत्म हो गए हैं? बेशतर अकाउंट जो है वो हमारे जो है वो यूज हैं, बाकी जो है वो चल रहे हैं, और इस पर वकला जो है वो मुकदमा, ये केस जो है ये क्योंकि अदालत में है, सब जुडिस है, तो इस पे मैं ज्यादा तबसरा करना इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि सब जुडिस केस ही है, और वकील जो है ठीक है वो इस मौजू पर ज्यादा बेहतर तबसरा करेंगे। मैं ठीक है अल्ताफ हुसैन साहब कहना चाहूंगा कि वकला जानते हैं मैं और मेरा दामन और साथियों का दामन साफ है। अल्ताफ हुसैन साहब एक आखिरी सवाल, इस मुल्क में जिला वतनी के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी वापस आई, बड़ा वेलकम मिला 2007 में उनको, इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब बाहर रहे, बरतानिया रहे, सऊदी अरब रहे, वो भी वापस आ गए, तीसरी दफा वजीर आजम भी बन गए, अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान कब वापस आएंगे? मैं जो मुकदमा मेरा अभी चल रहा है इसमें जैसे ही मुझे पासपोर्ट मिल जाता है, पासपोर्ट मेरा क्योंकि बरतानिया की गवर्नमेंट के पास है, बरतानिया की गवर्नमेंट के पास से जैसे ही पासपोर्ट मुझे मिलता है तो मैं सीधा पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिस जाऊंगा और अपना कार्ड बनवाऊंगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाऊंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊंगा, तो मेरी आरजू है कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान आऊं, क्योंकि यही मेरा जीना है, यही मेरा मरना है, और पाकिस्तान ही मेरी पहचान है, और मुझे इस पर अच्छा, अगर ये मामलात जो आपके बरतानवी पासपोर्ट के हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बन जाता हो, ये मामलात अगर लेट्स सपोज अगले 3-4 हफ्ते में हल हो जाते हैं, तो 3-4 हफ्ते में भी हम एक्सपेक्ट करें कि आप पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाएंगे? 15 दिन में करा दिए तो मैं 15 दिन में। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ अल्ताफ भाई क्योंकि अक्सर आपने कहा और आपकी जमात का भी यही मौकिफ रहा है कि क्योंकि आपको इतने सीरियस थ्रेट्स हैं पाकिस्तान में, इसलिए आपके लिए मुमकिन नहीं है पाकिस्तान आना। अब ये थ्रेट्स है, लेकिन अब मैंने एक हिस्सा जो मैं चाहता था कंप्लीट करना, वो एक हिस्सा मैं कंप्लीट कर चुका हूं, और वो सवाल आप पूछ चुके हैं कि क्या कोई आप और अच्छा मेयर ला सकते हैं। मैंने कहा वक्त आने दीजिए, पूरी की पूरी लॉट तैयार है, लाइन लगी हुई है, क्यों मैं लाता रहूंगा, आवाज दूसरे तीसरे चौथे, तो ये एक मेरा एम जिंदगी का पूरा बहुत बड़ा मिशन था जो मैं कर चुका हूं, ये करना चाहिए सबको करना चाहिए, क्यों कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफस को मौत का मजा चखना है, सारी जिंदगी तो पैदा होने के लिए कोई भी नहीं आया, मुझे भी मरना है,
लेकिन तहरीकें मरा नहीं करती, तहरीकें नजरिए पे जिंदा रहती हैं। और मेरा नजरिया रियलिज्म प्रैक्टिकलिज्म अल्लाह के फजल से गरीबों पाकिस्तान के, मजलूमों पाकिस्तान के, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, पख्तून हो, बलोची हो, सराइकी हो, गिलगिती हो, बलस्तानी हो, सबके लिए मशाल है, राह है, राह निजात है। मेरा मिशन पाकिस्तान के गरीबों की सलामती और पाकिस्तान की सलामती का पैगाम है। मेरा मंशूर पाकिस्तान के लिए है, किसी और मुल्क की फलाह के लिए नहीं, पाकिस्तान की। अल्ताफ हुसैन साहब, आपके इल्म में होगा कि आपकी पार्टी के बारे में ये कहा जाता है, ये तासुर है कि एमकेएम में आ तो सकते हैं लेकिन एमकेएम से अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। लेकिन अभी हमने देखा है कि नबील गबोल साहब ने जो है आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की 2013 के इंतखाबात से पहले। आपने अपने घर की सीट उनको दी, लेकिन वो अपनी एमएनए की रुकनियत से इस्तीफा दे चुके हैं और बहुत जल्द इम्कान है कि वो एमक्यूएम भी छोड़ देंगे। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं नहीं, अल्लाह शहजाद भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, सॉरी MQM में कितने लोग आए और कितने लोग MQM छोड़कर चले गए? देखिए, कुछ लोगों को तो आप नहीं जानते, कुछ लोगों को आपसे ज्यादा सीनियर लोग जानते होंगे, उनसे ज्यादा सीनियर लोग जानते होंगे। ये 40 साल पुरानी तहरीक है MQM। तो लोग MQM में आते हैं और MQM छोड़ के जिन्हें जाना होता है वो चले भी जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि MQM में कोई आ जाए तो वो छोड़ के जा नहीं सकता। ये भी प्रोपेगेंडा जो है, ये हमारे दुश्मनों का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। वरना अभी आपने कई मिसालें दी कि मुस्तफा कमाल चले गए, फला चले गए, ये चले गए, वो चले गए, तो वो तो सब अल्हम्दुलिल्लाह बकायदे हयात हैं। अल्लाह उनको हयाती दे, उनको तरक्की दे, उनको खुशहाली दे, जहाँ रहें खुश रहें, तरक्की करें, ऐश इशरत करें, आराम से रहें, हर बला मुसीबत से दूर रहें। और उनके लिए कोई नेगेटिव जज्बात मेरे नहीं हैं, उनकी मजबूरियां हैं। वापस आना चाहे वो, मोस्ट वेलकम, कम बैक अगर आना चाहे तो। अल्ताफ हुसैन साहब, अभी इमरान खान साहब का एक और भी बयान था जो कि मेरी नज़र से इस पर गुजर भी रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे एमकेएम के जो पढ़े लिखे लोग हैं हम उनसे रابطے में भी हैं। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ एक डिफेक्शन क्रिएट कर सकती है आपकी पार्टी में, खासतौर पर क्योंकि कराची में अब वो दूसरी बड़ी जमात है आपके बाद? तहरीक इंसाफ अच्छा काम करेगी, हमसे अच्छा काम करेगी, आवाम की खिदमत करेगी, तो यकीनन वो आवाम की सपोर्ट हासिल करेगी और हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। हम देखेंगे, सोचेंगे कि अगर अब आवाम हमें छोड़कर तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं तो उसमें हमारी क्या कोताहियां, क्या कमजोरियां, कहां गलतियां हैं, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ये इसलाह का अमल तो जारी रहता है हुजूर शहजाद इकबाल भाई। जी अल्ताफ हुसैन साहब, तफसीली इंटरव्यू आपने दिया प्रोग्राम आवाज को, समा को, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहूंगा।
कल जो भी कुछ हुआ 9-0 पे, उस हवाले से कुछ सख्त सवाल भी थे जो कि हमने आपसे पूछे, और इसके अलावा जो इस वक्त बरतानिया में सूरत हाल है वो भी हमने आपसे जानी। आपने कहा है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपको आपका पासपोर्ट मिल जाए और पाकिस्तान का पासपोर्ट मिल जाए तो आप वतन आने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाम आपने देखा, तफसीलन हमने गुफ्तगु की। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो एक बड़ी अहम बात की है, वैसे तो काफ़ी सारी अहम बातें थी लेकिन जो इस वक्त मुझे याद आ रही है वो ये है कि चंद ऐसे लोग हो सकते हैं 9-0 के एतराफ़ के इलाके में जो रहते हैं, जो हेडक्वार्टर है MQM का, वो कह रहे हैं कि चंद ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी नॉलेज में हो कि वो जो 5 मतूब अफराद थे जिनको कल अरेस्ट किया गया था, शायद उनकी नॉलेज में था कि वो वहाँ पर पनाह ले रहे हैं। प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।